स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव के पार्ट 2 की स्टडी करेंगे। मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशांत एंड माया पंडित बाय अपॉइंटेड टू द वुल वर्ल्ड। विश्व भर के जासूसों ने हमें एक्सपर्ट किया है। और तब मैंने लिखना शुरू किया। लगभग आधे घंटे के पश्चात मैंने सप्तम की ओर मुड़ी, जो अपनी होठी को अपनी हथेलियों के तले रखकर अपने पैंट के बल पर लेटे चित्रकथा का तथ्य देख रहा था। क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम इसे सुनना चाहोगे, और उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैंने उन सब तथ्यों की सूची बना ली थी जो श्रीमान नाथ के बारे में हम जानते थे और हम उसे फंसाने में इस मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या क्या लिखा है? और फिर सप्तम ने सिर हिलाया और मैं रीड करने लगी। तथ्य नंबर एक, मैंने पढ़ा उसका नाम श्रीमान नाथ है, हमें उसका प्रथम नाम ढूंढना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि यही उसका असली नाम होगा? माया, निषाद ने कहा कि क्या यही उसका असली नाम होगा? माया ने कहा कि शायद नहीं। और मैंने कहा कि अधिकांश अपराधी अपना नाम का एक उपनाम होता है। मैंने नाथ के बारे में एक बड़ा सा प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगाया। दूसरा तथ्य था, मैं पढ़ती गई यानी कि माया पढ़ती जा रही है, शंकर के भवन के किराएदार कहते हैं कि वह पागल हैं, अजीब हैं और रूखा है। तीसरा तथ्य ये मिला कि वह किसी से बात नहीं करता है, ये थर्ड फैक्ट उन्होंने फाइंड किया। और लेकिन हमें उससे बात की माया, माँ कहती है कि वह बहुत ही विनम्र है, निषाद ने मुझे टोकते हुए कहा, माया कह रही है। फिर उसने कहा कि हम केवल इसलिए उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि करनी पड़ी। मैंने कहा, और क्योंकि वह माँ के पास डॉक्टरी इलाज करवा रहा था तो वो विनम्र होना चाहिए ना, निषाद दलील कर रहा था। तथ्य नंबर चार, फैक्ट, उसे अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, कि उसके पास से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और सप्तम ने इसके बारे में सिर हिलाया। आगे के तथ्यों को पढ़ते हुए, वह काम नहीं करता और सारा दिन अपने ही कमरे में बैठे रहता है। सेवन नंबर, शंकर भगवान भवन में रहने वाले बच्चे और कुछ बड़े उससे डरते हैं। नंबर एट, अनेक बाल वाले एक गोरे मोटे आदमी जो उसके पास रविवार दोपहर को भोजन लेके आता है को छोड़कर कोई मेहमान उसके घर नहीं आता। नाइन नंबर, उसके कमरे में भोजन और चाय रमेश द्वारा नीचे भोजनालय से आती हैं, वह अपने खाने पर ध्यान नहीं देता पर बिल तुरंत ही चुकाता है और अच्छा इनाम भी देता है। तो कहती है कि मेरी सूची यहाँ पे फिनिश हुई, मेरा जो लिस्ट है वो यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। माया ने ये कुछ लिस्ट बनाए थे। अब निषाद इस बारे में कुछ स्पष्टता करना चाहता है, वो कुछ क्लियर करना चाहता है। मेरी तथ्यों की सूची बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था निषाद, वह केवल इतना कह सका कि बेचारा आदमी मित्र के अभाव और स्वयं ही कितना अकेला महसूस करता है। तभी माया ने कहा, एक अपराधी मित्र कैसे हो सकता है मूर्ख? मैंने इसे चिल्लाया, कम से कम उसका एक मित्र है जो उसे रविवार को मिलने आता है, निषाद दलील करता है। माया कहती है, मुझे तभी एक शानदार विचार आया, वह व्यक्ति अवश्य ही अपराध में श्रीमान साथ का साथी होगा, शायद लूट का सारा माल उसके पास है और वह प्रायः अपने साथ श्रीमान नाथ को उससे कुछ हिस्सा खर्च के लिए देने आता है। इस बात पर माया को पूरा विश्वास था कि वो आदमी उसके साथ लूट में है, शामिल है, दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। और आगे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो उसके साथ है, तो यदि तुम्हें उसे अपराधी मानने पर चित पर अगर अड़ी गई हो, तुम्हें लगता है कि वही अपराधी है, तो मेरे विचार में तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करना बेकार है, निषाद ने माया से कह दिया। यदि वह रमेश को इतनी उदारता से इनाम दे रहा है तो बुरा आदमी कैसे हो सकता है, निषाद एक्सक्यूज करता है। तो माया कहती है कि रमेश शायद भूतकाल के बारे में कुछ जानता होगा, इसलिए श्रीमान नाथ उसे चुप रखने के लिए कुछ पैसे देते होंगे। और निषाद ने अपनी बाहें फैलाकर अपनी बाहों में घूर रहा था और उसे तंग आ रहा था, वो कंटाल गया था माया के साथ डिस्कशन करते हुए। हम अपनी पूछताछ में कैसे आगे बढ़े यदि तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो? सप्तम, माया कहती है कि हम आगे कैसे पूछताछ करेंगे? मैं तभी सहयोग करूंगा यदि तुम उसके बारे में एक भागा हुआ अपराधी होने की सोच छोड़ दोगे, सप्तम ने यहाँ क्लियर किया। मुझे वास्तव में ही वो बात गुस्सा दिलाती है कि तुम इसे एक अपराधी कह रही हो,
अब माया गुस्से में, माया लगभग उस भीड़ ही गई थी, उसे बहुत ही गुस्सा आया था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, ये सारी पूछताछ का क्या फ़ायदा अगर वो अपराधी नहीं है तो? यदि तुम ये सोचते हो कि वो एक असामान्य व्यक्ति है, एक आम सा व्यक्ति है, तो उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? कृपया मुझे ये बात बताओ तुम। और निशांत उसे देखते हुए कुछ सोच रहा है, मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि वह दुबला पतला और आदमी अकेला क्यों रह रहा है, इसलिए मैं ये सारी पूछताछ कर रहा हूँ। और ये जानना चाहता हूँ कि इसके मित्र क्यों नहीं है, वे अकेला क्यों रह रहा है। और वो कहता है कि समझने की कोशिश करो। सप्तम, माया फिर कह रही है, यज्ञ वह एक साल से शंकर के घर में रह रहा है और उसके एक भी दोस्त नहीं बना है, तो ये स्पष्ट बात है कि दाल में कुछ तो काला है, समथिंग इज रॉन्ग, कहीं पर तो कोई गड़बड़ है। स्पष्टता है कि वह डरता है कि कोई उसे पहचान ना ले, उसे पुलिस के हवाले ना करते, इस बात से वो डर रहा है, इसलिए वो अकेला रह रहा है। तो माया फिर से अपने विचार यहाँ पर रखती है और सप्तम उसे कहता है कि शायद किसी ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की होगी। माया कहती है कि उसके बारे में आखिर कौन चिंता करे, कौन उसका दोस्त बने? पर सप्तम कहता है कि नहीं, मैं उसका दोस्त बनूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका दोस्त बन पाऊँ। और माया कहती है कि तुम एक अपराधी के दोस्त बनोगे, पुलिस तुम्हें भी जेल ले जाएगी, तुम मूर्ख मत बनो। और निशांत उसे घूरता हुआ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और यहाँ पर हमारी ये जो कहानी है वो ख़त्म होती है। मुझे आशा है कि आप सबको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी और अच्छे से आप इस स्टोरी को स्टडी किया होगा। ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूनिटी स्कूल से आपका भौतिक सर, थैंक यू सो मच।